नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। चिरायु योजना के तहत लाभार्थियों को कार्ड वितरित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश स्तरीय समारोह को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। जिला में 74 गांव और नगर परिषद व पालिकाओं के 21 वार्डों में चिरायु योजना के तहत कार्ड वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। टोहाना में चिरायु योजना के कार्ड वितरण समारोह में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस योजना के लाभार्थियों को कार्ड बांटे। उन्होंने कहा कि राज्य के उन सभी जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में आयुष्मान भारत योजना लिस्ट के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है। कैबिनेट मंत्री बबली ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना हरियाणा को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 28 लाख से भी ज़्यादा परिवारों को बीमारी की स्थिति में इलाज पर आने वाले खर्च की चिंता से मुक्ति मिलेगी। चिरायु योजना हरियाणा का लाभ 1,25,000,000 लोगों को प्राप्त होगा, जिसका मतलब है हरियाणा की 50% जनता को इस योजना का फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवार तक विस्तार करने की हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई चिरायु योजना स्वास्थ्य सेवा के रूप में अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की दिशा में अहम कदम उठाएगी। तो आइए, आज जो चिरायु आयुष्मान कार्ड का वितरण पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत हम पहले से कर चुके हैं। आज दूसरे चरण में करीबन 10 लाख कार्ड आज पूरे हरियाणा प्रदेश में और 50,000 कार्ड हमारे फतेहाबाद जिले में बांटने का काम किया, और आने वाले इस दिसंबर मंथ के एंड तक पूरे हरियाणा प्रदेश में करीबन 28 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो हमारे 1,80,000 से इनकम से कम वाले परिवार, जो परिवार पहचान पत्र के डाटा से उठकर उन सब तक ये सुविधा पहुंचेगी। परमात्मा करे किसी के घर में हरी बीमारी ना आए, लेकिन आज के इस युग में 5 लाख तक की कोई भी बीमारियों को कवर करने का इस कार्ड का इनको कार्ड वितरण तो कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा, तो उसका लाभ ले सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया, और इसको आम जनमानस को एक बहुत बड़ा फैसला लाभ मिलेगा। कब तक हैं जो आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे? ये अभी स्टार्ट है और इस महीने में टारगेट सरकार ने लिया है, इस महीने के एंड तक हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारे पूरे जिले के 50,000 हैं, और पर्टिकुलर आंकड़े वो मैं सारी डिटेल आपको हमारे टोहाना जिले हल्के कितने हैं, रतिया के कितने हैं और फतेहाबाद कितने हैं, वो आंकड़े हम आपको दिखाएंगे।